गुड मॉर्निंग गाइस, आज हाजी एंगलुक का थर्ड डे है। पहले दिन किया था 150 किलोमीटर, कल किया था 120 किलोमीटर का जर्नी, और आज करने वाला हूँ सबसे ज्यादा 170 किलोमीटर का जर्नी। एंड टुक अ कर्व, माय बाइक स्लिप्ड, ओह गॉड, एंड वी फेल। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आधा दिन का जर्नी हो गया। अभी हम लोग हाजियांग की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग फिर से लॉन्च करने के लिए उसी जगह पे आए जहाँ पे हम लोग हाजियांग टूर शुरू करने के टाइम में गए थे। यहाँ पे लंच करेंगे, फिर आगे हाजियांग के लिए निकलेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बीच में हम लोग ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट होता है ना, वो सब बनता है। तो यहाँ का जो मटेरियल्स जो होता है, जिस तरीके से बनाया जाता है, वो सारा का सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग देखे हैं। मैं देखिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये टूर अभी तक मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, मतलब क्या बोलूँ इस टूर के बारे में, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग ज़रूर आइएगा। और ख़ास करके मैं चेयर्स होस्टल से पैकेज लिया था, बाकी के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चेयर्स होस्टल के जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही हैपनिंग है, बहुत ही हमेशा मुंह में स्माइल रहता है, और आप कुछ भी कहिए, एकदम से वो तैयार है वो करने के लिए। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर आइए इस जगह पर। मैं अभी लंच कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर हाजियांग के लिए निकलेंगे, टूर कंप्लीट करेंगे, फिर वहीं से हम हनोई पहुंचेंगे, जो कि चेयर्स होस्टल ने प्लान किए हैं। हाजियांग से वो लोग कुछ लीमो या नाइट स्लिप बस ऐसा कुछ देंगे, जिससे हम लोग हनोई पहुंचेंगे। तो देखते हैं बाकी का जो सफ़र है वो कैसे गुजरता है, लेकिन अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस 100 out of 100 है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मेरा ड्रोन और रिमोट कंट्रोल के बीच का कनेक्शन टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि ड्रोन अब कहाँ है, कितने दूर में है। मैं अपने इजी राइडर पिलर से कहा कि मुझे उस दिशा पे लेके जाए जिस दिशा पे मैंने अपना ड्रोन को भेजा था। लगभग 5 मिनट के बाद खुद से मेरा रिमोट कंट्रोल पर ऑटो रिटर्न होम ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तब ऐसा लगा मानो शरीर में जान आ गया। मैं पिलर के साथ उस जगह पर लौटा जहाँ से मैंने ड्रोन उड़ाया था। जब मैं वापस लौट रहा था, मेरा ड्रोन दूसरी दुर्घटना में बाल बाल बचा। ड्रोन उतरने के टाइम बिजली के तार से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद ड्रोन पास की नदी में गिरने से बाल बाल बचा। मैं अभी भी सड़क के बीच में ही हूँ, वीडियो देखिए समझ जाएंगे। मेरा गोप्रो वहाँ पे मौजूद दूसरे इजी राइडर के पास था। कैमरा पाकर वो लोग काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं आसपास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने कुछ वीडियोस बनाया। एडिट करने के समय मैंने वीडियो देखा, बहुत ही फनी लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया।
Mét lắm. Siêu nét. Vâng. Anh Hoàng ạ. Vâng. Bây giờ quay chưa? Đang quay. 14 giây rồi. Phát biểu đi. Hello. Hello. How are you, honey? Very good. How are you, honey? Hello. Hi. How are you? Excellent, yeah. Hello, how are you? Hello. तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी वेट करेंगे 4 बजे यहाँ से बस, फिर आएंगे, बस पिकअप करेगा, फिर हम लोग को वही सीएस हॉस्टल या फिर हनोई में कहीं पे ड्रॉप कर देगा, फिर वहाँ से हम अपना हॉस्टल चला जाएंगे। यहाँ पे जो मेरा दोस्त नए दोस्त बने थे वो अपने अपना जगह चले जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे आके कुछ अच्छा नया दोस्त बनाया, बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी जाने का भी थोड़ा बहुत गम है, लेकिन क्या करेंगे। और ख़ास करके मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरा ये 3 दिन का जो जर्नी था उसे फैबुलस, उसके बहुत अच्छा बना दिया। तो चलिए फिर बस आने का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बस पे चढ़ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं आजियंग। ये स्लीपर बस नहीं है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है। और हाँ, इस बस पे चढ़ने से पहले अगर हो सके तो कुछ खाना अपने साथ ज़रूर ले लीजिएगा। मुझे पता नहीं है, बीच में तो हॉल्ट देगा शायद बाथरूम के लिए, लेकिन वहाँ पे जो फूड वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, अगर होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बस के वीडियो बनाते समय जब मैंने अपना कैमरा मेरा दोस्त आइजैक और मार्टिना की तरफ घुमाया तो मार्टिना ने ऊपर की ओर कुछ इशारा किया, तभी मेरी नजर बस के अंदर एक पोस्टर पर पड़ी। मुझे इस पोस्टर का मीनिंग तो समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर समझा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे रुके हैं, तो हम लोग उतरे हैं यहाँ पे कुछ खाना पीना, और अगर कुछ टॉयलेट वगैरह जाना है तो आपको यहीं से जाना है। और मैंने एक खाने के लिए ये ले लिया हूँ, पता नहीं है ये बन जैसा कुछ लगता है, मैंने पूछा बन का तो ये दिया मुझे, तो फिलहाल ये लिया हूँ खाने के लिए। और साथ से हम पहुँच जाएंगे 11 बजे, 11:30 बजे हम हनोई पहुँच जाएंगे। बस भी बहुत ही कंफर्टेबल था, मैं आराम से सोया और रिक्लाइनिंग था, मतलब सिंगापुर का जो सीट था ना, मैं सिंगापुर बस का जो वीडियो किया था वहाँ पर जैसा सीट था वैसे ही कम्फर्टेबल था, लेकिन ये थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अच्छा लगा, बस भी बहुत अच्छा है। ये मेरे पीछे बस खड़ा है, ये ब्लैक कलर का जो बस है ये मेरा बस है। तो फ्रेंड्स मैं हाजियांग लूप का 3 nights 3 days वाला ट्रिप क्या पूरा कंप्लीट करके फिर से पहुंच चुका हूं हमारे प्यारे चियर्स हॉस्टल पे। हालांकि मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, मेरा यहां से पैकेज लिया था मैंने हाजियांग लूप का, यकीन मानिए बहुत ऑर्गेनाइज टूर करवाते हैं, इनका जो स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है, और सबसे बढ़िया बात इनके जो मतलब जो राइडर्स हैं इनके जो सिस्टम है बहुत मक्खन की तरह काम करता है, मक्खन की तरह, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप मुंह से बोलने से पहले वो काम कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम है इन लोगों का। बहुत मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अगर आप हाजियांग लूप के पैकेज करते हैं तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप 100% चियर्स हॉस्टल से ही पैकेज लीजिए, बाकी बहुत सारा यहाँ पे टूर ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से आप पैकेज ले सकते हैं, लेकिन मेरा माने तो चियर्स हॉस्टल इज़ द बेस्ट। और फ्रेंड्स और एक बात बता देता हूँ, मैं हालोंग बे के लिए भी एक पैकेज बुक किया हूँ जो कि इसी चियर्स हॉस्टल से बुक किया हूँ मैं, तो बहुत अच्छा इन लोगों का सर्विस मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पैकेज पहले ही बुक कर चुका हूँ क्योंकि मैं रिव्यू पढ़ा था, अच्छा बोला गया था, और यहाँ पे आके आज एक्सपीरियंस किया, बहुत क्लासी था, बहुत अच्छा था, कोई तकलीफ नहीं हुआ है आपको, कोई खाने पीने का, रहने का, सोने का, कहीं पे जाने का, कोई सामान उठाने का, कुछ चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब हर चीज़ में ये लोग एकदम बारीकी से ख्याल रखता है अपने क्लाइंट्स का। तो फ्रेंड्स मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप हाजियांग लूप करते हैं
जो कि आप डेफिनेटली करिए, ये मेरा राय है या ये मेरा सजेशन है। तो अगर करते हैं तो इनसे पैकेज दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको घुमाएगा। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मतलब मन भारी है, क्योंकि ये जो दोस्त लोग हैं ये लोग सब एक एक करके अपने अपने हॉस्टल में चले जा रहे हैं, कोई होटल में जा रहे हैं। तो 3 दिन इन लोग के साथ बहुत मस्ती मजाक धमाल किया, अभी फिर इन लोग को छोड़ के अकेला अकेले घूमना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा भी तकलीफ देगा। लेकिन खैर, बहुत मिस करूँगा इन लोगों का, लेकिन हाँ, इन लोगों से मैं कॉन्टेक्ट में रहूँगा ज़रूर। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ठीक है, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सबको ही अपना अपना जगह जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम हॉस्टल जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल सुबह। आज हम जाके सीधा सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल सुबह मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।